तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लॉकडाउन के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो पहले भी एक वीडियो और लाया था तो उसमें सपोर्ट दिया, वैसे ही इसमें भी सपोर्ट करना। और आप भी अपनी फ़ोटो को मेरे जैसे एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सिंपल स्टेप पूरी वीडियो दिखाऊंगा तो वीडियो पूरा देखना। और जो भी हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हमारे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, नीचे जाकर फॉलो कर लेना। और जो भी ब्रांड पेन का यूज़ करूँगा उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। और इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना अच्छा अच्छा बैकग्राउंड ला रहा हूँ तो देखा करिएगा और वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं, तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एड ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से पिक्सआर्ट ओपन हो चुकी है, तो यहाँ से ऑल फोटोज पे क्लिक करते हैं। ये वाली बैकग्राउंड दे दूँगा एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं अपने मॉडल को। तो मैं इरेज कर चुका हूँ तो नहीं करूँगा इरेज, अपने अकॉर्डिंग कुछ इतना कर लेना है। आज थोड़ी छोटी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऑल फोटोज से ऑल फोटोज को एक पीएनजी को ऐड कर लेना है इतना। यहाँ से इरेज टूल पे जाएंगे, इरेज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये वाइट वाइट लाइन आ रही है उसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से इरेज कर लेते हैं, आप आराम से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, यहाँ से कर लेंगे ऐड फोटो। ये वाली पीएनजी ले लेंगे एंड यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से कुछ इतना ऐड कर लेना है थोड़ा साइज बढ़ा के। यहाँ से इरेज कर लेते हैं इरेज वाले टूल पे जाके, यहाँ से कर लेंगे डन एंड यहाँ से वाली पीएनजी ले लेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग कर लेना है इसको ऐड। यहाँ से इधर की पीएनजी को इरेज कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से ये वाली भी पीएनजी को इरेज कर लेते हैं पहले और उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से कुछ इतना कर लेना है, इधर की भी पार्ट्स को इरेज कर लेना है। तो यहाँ से हो चुकी है, तो यहाँ से डन कर लेंगे एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं ये वाली पीएनजी को। तो यहाँ से ये पार्ट्स को इरेज कर लेंगे एंड यहाँ सिर्फ ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे एंड यहाँ फिर से वही पीएनजी को ले लेंगे एंड यहाँ से इसको फ्लिप पे जाएंगे एंड या लीड टूल पे कर देंगे। रोटेट हो चुका है तो यहाँ से इरेज कर लेंगे पहले वाली पीएनजी को, तो यहाँ से इस साइड की भी पीएनजी को इरेज कर लेते हैं हम अच्छे से। तो यहाँ से इतना कुछ कर लेते हैं, यहाँ से डन करते हैं एंड यहाँ से ये वाली पीएनजी दे दूंगा, इसको भी ऐड कर लेना। यहाँ से इसको भी रेस कर लेते हैं यहाँ से एंड इस पे इफेक्ट पे जाएंगे एंड यहाँ ब्लर कर लेंगे, फाइट कर लेंगे ब्लर को एंड यहाँ से डन करेंगे एंड भी यहाँ से भी डन करेंगे
इंडिया देते हैं एलपीएनजी को, कुछ इतना कर लेना है। यहाँ इस साइड एलपीएनजी को इरेज कर लेंगे, से इरेज कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं डन। यहाँ से जाएंगे ब्लर पे एंड यहाँ से वाइप कर लेंगे ब्लर को एंड यहाँ से डन कर लेंगे एंड यहाँ से ऐड कर लेते वाली पीएनजी को। ये वाली पीएनजी दे दूँगा, इसको ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर लेना एंड यहाँ से कुछ इतना कर लेना है एंड ऊपर वाले पार्ट्स को इरेज कर लेना है एंड यहाँ से नीचे से भी एंड यहाँ से डन कर लेना है एंड एक वाइट लाइट पीएनजी दे दूँगा, इसको भी ऐड कर लेना। जो अच्छी लगी वो कर लेना, तो दोनों को मैं एडजस्ट करके देखूंगा। ऐसे ही पहले वाली पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ब्लेंडिंग पे जाके इसको भी स्क्रीन कर लेंगे, यहाँ से कुछ यहाँ से डन कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे से कर लेना, मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ से डन करते हैं, यहाँ से तो हमारी फोटो बन चुकी है, तो यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना लाइट रूम खोलते हैं, लाइट रूम एप्लीकेशन में कलर एडिटिंग ये करेंगे। यहाँ से पहले वाली पिक को डिलीट कर लेते हैं एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं अपनी फोटो को। हमारी फोटो तो ऑटो कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे मिक्स पे जाएंगे एंड यहाँ से ऑरेंज पे जाके इसकी सैचुरेशन को कम कर देंगे थोड़ी सी, इसकी ल्यूमिनेंस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आएंगे इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे येलो पे आके, इसकी भी ह्यू को थोड़ी सी बढ़ा देंगे एंड इसकी भी ग्रीन आएंगे एंड इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे। एट्टी हो चुकी है, 81 टाइम पीछेगा। तो यहाँ से हम इसको 100 कर लेते हैं, यहाँ से शार्पनेस पाएंगे और इसकी शार्पनेस बढ़ा लेना है अपने को, शार्पनेस इसकी 40 कर देना है, यहाँ से 40 हो चुकी है। तो यहाँ से नॉइज रिएक्शन को बढ़ा लेना है, इसकी भी नॉइज रिएक्शन को 25 कर देंगे एंड यहाँ से हमारी फ़ोटो बन चुकी है। तो पिक्सआर्ट के अंदर कुछ ऐसी थी एंड लाइटरूम के अंदर कुछ ऐसी कलर एडिटिंग की है, तो मस्ट कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट।